बात कांग्रेस की हो रही है वो निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक राजनीतिक चश्मे से इसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अपने साफ फैसलों में खासतौर पर अनुराग ठाकुर पर ही निशाना साधा था। मेरे साथ मृत्युंजय पुरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, किस तरीके के रिएक्शन इसके बाद देखने को मिल रहे हैं? और कहीं ना कहीं कहा जाए सुप्रीम कोर्ट जो लगातार पिछली सुनवाई में भी सख्त रुख अख्तियार करता हुआ दिख रहा था, साफ तौर पर निर्देश दे रहा था, यहां तक कह दिया था कि जेल जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच सकता है, बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। और कहीं ना कहीं खेल की दृष्टि से बात की जाए तो बहुत सुधार की गुंजाइश अब नजर आने लगी है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के उस मैदान पर जहां पर जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी पहचान जो है यहां पर बना चुका है। इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, साथ ही हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरह देखते हैं हिमाचल में खेलों में कितना प्रभाव जो इससे पड़ेगा। देखिए, पिछले 16 वर्ष में जब से अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने थे तब से लगातार जो क्रिकेट का स्तर जो बिल्कुल एक गली मोहल्ले की क्रिकेट की तरह हिमाचल प्रदेश क्रिकेट को था उसको बुलंदी के ऊपर हम लेकर के गए और उसी का परिणाम था कि 2006-07 में हम देश की सबसे बड़ी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी उसके हम देश के चैंपियन बने। तो ये उसी परिणाम, उस जो मेहनत इतने टाइम की थी उसी का ये परिणाम यहाँ पे निकल करके सामने आया। हमारे साथ कुछ यूथ भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे किस तरह देखते हैं इस फैसले को, कितना फर्क आपको लगता है कि इस फैसले से पड़ेगा हिमाचल की क्रिकेट। देखिए, हिमाचल और हिमाचल के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अनुराग ठाकुर जी का जो एक बहुत बड़ा योगदान था उसको प्रदेश की जनता कभी भी नहीं भुला सकती। एक छोटे से प्रदेश से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का मुखिया बनना भी प्रदेश के लिए एक गौरव की बात है। जैसे कि हिमाचल में विभिन्न जिलों में एक विश्व प्रख्यात स्टेडियमों का निर्माण करके भी अनुराग ठाकुर जी ने प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी हिमाचल प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया है। मैं उनका हिमाचल वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ और भी युवा मौजूद है, हम सभी से थोड़ी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे, किस तरह देखते हैं, कितना जो है फर्क इससे पड़ेगा हिमाचल के क्रिकेट में, क्योंकि हिमाचल के क्रिकेट को एक पहचान जो है यहाँ पर मिली थी। देखिए, ऐसा है कि अनुराग ठाकुर जी क्रिकेट के प्रति जो रुचि थी उसमें हिमाचल प्रदेश के क्रिकेटर प्रेमियों को ही केवल इसका फायदा नहीं था, हिमाचल प्रदेश में जितने भी व्यापारी हैं और हैं उनको भी इस चीज़ का लाभ मिलता था और क्रिकेट प्रेमियों के लिए और स्पेशल क्रिकेटर्स के लिए ये बहुत ही एक दुखदायक बात है। और भी लोग मौजूद हैं, किस तरह देखते हैं युवा होने के नाते आपकी यहाँ पर कितना जो है फर्क यहाँ पर क्रिकेट को पड़ेगा? बहुत दुख हुआ सर ये समाचार सुन के कि BCCI से अनुराग ठाकुर को हटाया गया, तो धर्मशाला खासकर उसको बहुत लॉस हुआ हिमाचल प्रदेश में और BCCI को भी। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कई खिलाड़ी भी जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी खेल चुके हैं और जो है इंडिया टीम में भी भाग ले चुके हैं, किस तरह देखते हैं अब हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को, जो है एक मौका मिला था, एक पहचान उन्हें मिली थी अलग से खेलने के लिए। मृत्युंजय, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, तमाम लोग आपके साथ मौजूद हैं, सुबह से ही जैसे ये फैसला आया उसके बाद से लगातार हम रिएक्शन देख रहे हैं, कई खेल से जुड़े हुए लोग इस फैसले को सही भी ठहरा रहे हैं। यदि प्रदेश से ऊपर उठकर हम सिर्फ खेल के स्तर पर बात करें तो क्या ये फैसला यहाँ मौजूद लोग जो आपके साथ क्रिकेट खेलने वाले इतने सारे लोग मौजूद है वहां पर वो सही नहीं मानते कि हमें आगे मौका मिलेगा? अनुराग ठाकुर को BCCI अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है तो इस फैसले को कई लोग सही मना रहे हैं कि सही हुआ है, ये फैसला बिल्कुल सही था, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? नहीं, हम तो बिल्कुल भी इससे सहमत नहीं है, उनकी जो एक पॉजिटिव सोच थी वो शायद हम सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं पूरे देश के लिए ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने वाली थी, पर जिस हिसाब से जो नतीजा आया है जो डिसीजन लिया गया है वो उस पर हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आप किस तरह देखते हैं इस फैसले को? हम तो इस फैसले से बहुत ही दुखी हैं क्योंकि हमारे लिए धर्मशाला में अनुराग ठाकुर जी ने बहुत ही अच्छा ग्राउंड बना के बहुत ही अच्छा निर्णय लिया था और यहाँ के युवा जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से अब क्रिकेट का और ज़्यादा मनोरंजन कर रहे हैं।
ये युवा है धर्मशाला के जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाया गया है, तो उन्हें काफी इस बात से दुख लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा बात करने की और भी युवाओं से कि किस तरह देखते हैं इस बात को वे और किस तरह मानते हैं, तो कैसा लगता है आपको, क्या फील करते हैं? सर काफी दुख हुआ है क्योंकि हम जब यहाँ खेलने आते थे हमारे को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी, हमारे पास ग्राउंड था, जिम था, हमें प्रॉपर कोचेज जो हमारे को ट्रेनिंग दी जाती थी, डाइट प्रॉपर सब थी, लेकिन अब शायद उस पर हमारे को इफेक्ट पड़ेगा हमारी गेम पे और हमें जो चांसेस हैं वो भी थोड़े कम मिलेंगे। जी आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों का यही कहना है कि अनुराग ठाकुर के बीसीसीआई अध्यक्ष बनने से और एचपीसी अध्यक्ष बनने से जो है काफी लाभ खिलाड़ियों को मिला था और लाभ के चलते जो है यहाँ पर फैसिलिटीज उपलब्ध हुई थी और फैसिलिटीज के चलते खिलाड़ियों को आगे खेलने का मौका यहाँ पर प्राप्त हुआ है। बिल्कुल मृत्युंजय, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि प्रदेश का साथ तो अनुराग ठाकुर को मिल रहा है, भले इस फैसले के बाद अनुराग ठाकुर को धक्का लगा, उन्होंने स्वागत भी कर लिया इस फैसले का, लेकिन प्रदेश के स्तर पे बात की जाए तो प्रदेश के खिलाड़ियों का तो फिलहाल समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। सुनील जी भी मेरे साथ मौजूद है। सुनील जी, जिस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है, जिस मंशा से ये फैसला लिया गया है, भले ही अनुराग ठाकुर ने उसका स्वागत कर लिया है, लेकिन क्या लग रहा है कि लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो नजर आ रहा था कि बीसीसीआई के अध्यक्ष को हटा देने के बाद वो राह आसान हो जाएगी, वो क्या राह आसान होती हुई नजर आ रही है इस फैसले के बाद? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि निश्चित तौर पर रहा आसान होगी, क्योंकि क्रिकेट की ही बात नहीं, बाकी भी खेल संघ पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। क्या इस प्रकार की कमेटी है उसके ऊपर भी गठन किया जाएगा, ये देखने वाला विषय होगा। जहां तक क्रिकेट को आगे ले जाने की बात है, आज चाहे देश में 2020 की बात हो या वनडे की बात हो या टेस्ट की बात हो, तो नंबर वन टीम आज भारत की बनी है, तो ये अनुराग ठाकुर जी का इसमें बहुत बड़ा बीसीसीआई का कंट्रीब्यूशन है। और जहां तक हिमाचल में आज अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ बने हैं, 6 और स्टेडियम बनाने की तैयारी की, तो निश्चित तौर पर हिमाचल के नाते में बात कर तो हिमाचल को इसका बहुत बड़ा मतलब दुख भी है और एक झटका भी लगा है खेल प्रेमियों को। और देश के अंदर भी अनुराग ठाकुर यूथ के लिए एक यूथ आइकन के रूप में काम कर रहे थे और पहले भी वो क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ऐसा नहीं है, जो बीसीसीआई की जो शर्त थी वो थी 70 साल से ज्यादा। पता नहीं क्या कारण रहा कि किस प्रकार का यूनिट है, परंतु इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देश के अंदर रिफॉर्म होने चाहिए, क्रिकेट ही नहीं बाकी चीज के अंदर भी होने चाहिए, और खुद अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा है। और जी मेरे साथ मृत्युंजय ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कल ही चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं और उससे एक दिन पहले इतना बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले को जो कि इतने कड़े तरीके से लिया गया है, इसके बाद और क्या कुछ अलग तरीके का रिएक्शन मिला है? बिल्कुल, हम बात करना चाहेंगे एचपीसी के प्रवक्ता जो है संजय शर्मा जी, उनसे। संजय शर्मा जी, कल जो है कोर्ट से जो जज हैं वे रिटायर होने वाले हैं और एक दिन पहले इतना बड़ा फैसला लेना, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? देखिए, जजेस का रिटायर होना नहीं होना ये एक सामान्य प्रक्रिया है, स्वाभाविक है कि जो आता है उसको एक दिन उसकी रिटायरमेंट का दिन भी तय होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारे उसमें जो है वो बीसीसीआई का पक्ष समझने में जो है वो कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। बीसीसीआई ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशंस को नहीं मानते हैं या नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। हमने बार बार कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखा कि हम सभी इसको इम्प्लीमेंटेशन लोढ़ा कमेटी की रिकमेंडेशंस को मानना चाहते हैं, लेकिन कुछ स्टेट एसोसिएशंस या कुछ मुद्दों के ऊपर जो है वो टेक्निकल रूप से जो है वो उनको लागू करना स्वाभाविक नहीं है, उसके लिए कुछ समय चाहिए, और उस बात को बार बार जो है वो नजरअंदाज किया जाता रहा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी जो है जी तो कुल मिलाकर कहा जा सके तो प्रदेश की तरफ से पूरा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुनील जी आपका और मृत्युंजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कड़ा फैसला लिया है, उसके बाद अनुराग ठाकुर ने इस फैसले का स्वागत कर लिया है, लेकिन मुख्यतः लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए